क्योंकि वृंदावन धाम जब आए हैं तो वृंदावन धाम आकर इस तरीके से अपने हाथ से सोनी सेवा करें। वृंदावन में जब आए तो स्वयं को शून्य माने, बिल्कुल भगवान का दर है, ये भगवान का दरबार है। ठाकुर जी की नित्य निकुंज लीला का ये स्थान है ब्रज मंडल वृंदावन धाम। तो आप सभी से निवेदन है कि जब भी ब्रज में आए, ब्रज में कोशिश करें कि हमारे द्वारा कोई अपराध ना बने। खासकर जिन स्थानों पर हमारे युगल सरकार की नित्य लीलाएं हो रही हैं ब्रज मंडल में, उन स्थानों को कम से कम हम गंदा तो करें ही नहीं, और गंदा करने के साथ साथ हम वहाँ की शुद्धता को बनाए रखने में, वहाँ की स्वच्छता को बनाए रखने में भी अपना सहयोग प्रदान करें। अब जिस प्रकार से आप देख रहे हैं ये दोनों माताजी, जिनसे हमारा कोई परिचय नहीं है, पर फिर भी ये वृंदावन में आकर इनमें एक भाव जगा, और उसी भाव को जगने के बाद ये ठाकुर जी की सौनी सेवा को करने के लिए, यहाँ ठाकुर जी की सेवा करने के लिए, जिससे नित्य निकुंज लीला ठाकुर जी के नित्य लीला के स्थान को सवार सके, सजो सके, तो ये एक कोशिश है। सभी से निवेदन है आप भी जब भी आए वृंदावन में सेवा करने की सोचें। वृंदावन में बड़े बड़े राजा महाराजा भी आए, वो शून्य बनकर रहे, ठाकुर जी के दास बनकर रहे, तो यहाँ दास बनकर रहने में आनंद है, राजा बनकर रहने में आनंद नहीं है। भिखारी बनकर ठाकुर जी के दर पर जाओगे तो ठाकुर जी से सब कुछ पाओगे, और ठाकुर जी के सामने बादशाह बनकर जाओगे तो आप जब पहले से ही बादशाह हैं तो आपको ठाकुर जी की आवश्यकता क्या है। जय जय श्री राधे।